दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। इस वीडियो में बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूं। और आप सभी को बता दूं कि बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया, सभी नियोजन यूनिट को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि बिहार की प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षक बहाली के लिए सभी नियोजन इकाइयों को 1 जनवरी 2020 तक औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित कर देनी है ऑफिशियल NIC की वेबसाइट पर भी और साथ ही साथ संबंधित नियोजन इकाई के कार्यालय के सूचना पट पर भी। तो ये ऐसा कुछ उसमें लेटर में बताया गया है, लेकिन जो नियोजन इकाइयां नहीं जारी करती है उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई किया जाना है और क्या एक्शन लिया जाना है ये सब भी यहाँ पे बताया गया है। वो ऑफिशियल लेटर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उससे संबंधित जो आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है यह आर्टिकल है, यहाँ पे देख सकते हैं। आज का मतलब कि 27 दिसंबर का ही ये अपडेट है और यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर का ये एडिशन है। ओके, तो यहाँ मैं शुरू से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डिटेल प्रोवाइड कराया गया है। बताया गया यहाँ पर कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षक बहाली के लिए सभी नियोजन इकाइयों को मिला विभागीय आदेश, एक तक देश सूची वरना बहाली अमान्य। यानी जो भी नियोजन यूनिट एक तक यानी 1 जनवरी 2020 तक सूची अपलोड नहीं करेंगे और बंधित मेधा सूची उनके बहाली को अमान्य कर दिया जाएगा। दो हाईलाइट्स भी है, हाईलाइट्स पर नजर डालते हैं। बताया गया है NIC की वेबसाइट के साथ ही एक कॉपी देनी होगी विभाग में। NIC की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ साथ एक कॉपी जो है शिक्षा विभाग को भी भेजना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रखंड नियोजन इकाई मुरौल से ही मेधा सूची हुई जारी, ये यहाँ पे बताया गया है मुजफ्फरपुर के लिए कि मुरौल का औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दिया गया है, लेकिन वो भी NIC की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। ये मैं चेकआउट किया हूँ और वो भी जो है अभी ऑफलाइन माध्यम में ही अवेलेबल है। हो सकता है कि जो संबंधित कार्यालय है नियोजन इकाई का वहाँ पे प्रकाशित किया गया हो। आगे देखिए बताया गया है, शुरू से बता देता हूँ, लिखा गया है 1 जनवरी तक मेधा सूची जारी नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों में नियोजन अमान्य कर दिया जाएगा। विभाग के इस आदेश के बाद दर्जनों नियोजन इकाइयों में बहाली लटक सकती है। प्राइमरी और मिडिल शिक्षक बहाली में निर्धारित तिथि के भीतर नियोजन करने को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। आगे बताया गया है जिले की 16 प्रखंड नियोजन इकाइयों के साथ ही 387 पंचायत नियोजन इकाइयों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है। विभाग से जारी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार मेधा सूची के आधार पर 2 जनवरी से आपत्ति लेनी है, मगर स्थिति यह कि अब जिले में केवल एक प्रखंड नियोजन इकाई मुरौल से ही मेधा सूची जारी की गई है। आगे बताया गया है DPO स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि 1 जनवरी तक हर हाल में मेधा सूची NIC की वेबसाइट पर डाल देनी है। NIC की वेबसाइट के साथ ही इसकी एक कॉपी विभाग के पास भी जमा करनी है। जो नियोजन इकाई 1 जनवरी तक मेधा सूची जारी नहीं करते हैं वहां माना जाएगा कि नियोजन नहीं करना है, इसके बाद उसका नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा। ऐसे नियोजन इकाइयों की सूची विभाग की ओर से मांगी गई है, इन सभी पर लापरवाही के तहत बहाली लटकाने की कार्रवाई होगी। जो भी नियोजन इकाई 1 जनवरी 2020 तक औपबंधिक मेधा सूची जारी नहीं करती है तो उनके खिलाफ में कार्रवाई भी होगी, साथ ही साथ उसकी बहाली को रद्द भी कर दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि अधिकांश नियोजन इकाइयों में नहीं शुरू हुई है प्रक्रिया, मेधा सूची बनाने को लेकर अधिकांश नियोजन इकाइयों में प्रक्रिया भी नहीं शुरू की गई है। नियोजन इकाइयों के अनुसार विभाग की नई गाइडलाइंस के तहत मेधा सूची बनाने में देरी हो रही है। नई प्रक्रिया के तहत BEd और DLED वाले की अलग अलग सूची बनानी है। पहले से तैयार फॉर्मेट पर सूची बनाई जा रही थी, पहले जो है पुराने वाले फॉर्मेट पर बनाई जा रही थी, लेकिन अब जो है DLED और BEd वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनका अलग अलग सेपरेट जो है मेरिट लिस्ट को तैयार करना है। आगे बताया गया है दिव्यांग अभ्यर्थियों की रिक्ति अस्पष्ट नहीं। बताया गया दिव्यांग कोटि की रिक्ति को लेकर अधिकारी तलब और रिक्ति निकालने के साथ आवेदन की तिथि बढ़ाने का आदेश। देखिए शुरू से बताया गया शिक्षक बहाली में दिव्यांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में घालमेल हुआ है। इस कोटि के अभ्यर्थियों के लिए दी गई रिक्तियां नियोजन इकाइयों की ओर से स्पष्ट नहीं की गई है। सरकार के पास यह मामला पहुंचने के बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों की रिक्ति को दोबारा निकालने के साथ ही आवेदन की तिथि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। आगे बताया गया है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में दिव्यांग के अभ्यर्थियों की रिक्ति में घालमेल को लेकर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के DO, DPO और बहाली की रिपोर्ट के साथ तलब किया गया था। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बहाली 2019-20 के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए जो प्रकाशन किया गया था उसमें अस्पष्टता और एकरूपता नहीं थी। इसकी वजह से दिव्यांगजनों को आवेदन करने में काफी असुविधा हुई, वहीं अधिकांश दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए। रिपोर्ट से मामला खुला कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद की गणना के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें भी गड़बड़ी है। तो ये यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के रिगार्डिंग अपडेट है और बताया गया सभी नियोजन इकाई स्पष्ट रिक्ति निकाले, इसके बारे में मैं पहले भी अपडेट प्रोवाइड करा चुका हूँ। राज्य के निःशक्तता आयुक्त जो हैं, जो राज्य के निःशक्तता न्यायालय है वहाँ पे उसके जो आयुक्त हैं उन्होंने आदेश दिया था कि जो भी नियोजन इकाई है कैंडिडेट को यानी दिव्यांगजन कैंडिडेट के लिए 4% आरक्षण के साथ साथ अच्छे से रोस्टर तैयार करने के बाद में उसका जो है रोस्टर निकाले और अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिन का आवेदन करने का समय दे। तो इसके बारे में अपडेट मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। जो भी दिव्यांगजन कैंडिडेट है
उस पहले वाले अपडेट को विजिट कर सकते हैं। दो चार रोज पहले मैंने अपडेट वो प्रोवाइड कराया था। तो बस इस अपडेट में तो इतना ही बताया गया है, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपना भी राय यहाँ पे प्रकट कर दूँ, आप सभी को बता दूँ कि किसी भी हाल में 1 जनवरी 2020 तक सभी नियोजन इकाइयाँ जो है औबंधिक मेधा सूची जारी नहीं करेंगी। हो सकता है कि आदेश जारी करने के बाद में या फिर जो शिक्षा विभाग है उसको दबाव बनाने के बाद में कुछ नियोजन इकाइयाँ अपने काम को जो औबंधिक मेधा सूची बनाने वाला काम है उसको युद्ध स्तर पर लेती है, तो यहाँ पे कुछ नियोजन इकाइयाँ जो है इसे 1 जनवरी 2020 से पहले जारी कर देंगे। लेकिन सभी नियोजन इकाइयों की ये बस की बात नहीं है। आप सोच भी सकते हैं कि आज 27 दिसंबर हो गया, इसमें 4 दिन है इस महीना में और 1 दिन उधर दिया गया है, तो अगर 5 दिन का भी अगर डेडलाइन हम मान लेते हैं तो जिन नियोजन इकाइयों का अभी तक मेधा सूची बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है तो वो किसी भी हाल में कर नहीं पाएंगे, इसे जो है करना मुश्किल है। तो आप खुद सोच सकते हैं, और ये आप सभी को बतला दूं कि अगर शिक्षा विभाग अपने आदेश पर खरा उतरता है तो बहुत सारे नियोजन इकाइयों का जो भर्ती प्रक्रिया है वो लटक भी सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारे हिसाब से ये बहुत दिन अभी तक औबंधिक मेधा सूची का जो अपडेट है वो बारी बारी से सभी नियोजन इकाइयाँ जारी करती रहेंगी। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।